Click on the bell icon to watch our latest videos. कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का एक अवतार रहेगा जिसको हम कल्कि कहते हैं. क्या कल्कि आ चुके हैं, अभी आने वाले हैं, आपको क्या लगता है? तो थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, इतिहास में जाना पड़ेगा. जब पुराण में जब कल्कि की स्टोरी आती है तो ये एक ऐसा दौर था इंडिया में जब हुन, गुजर, यवन, अलग अलग प्रकार के ट्राइबल लोग नॉर्थ वेस्ट से आ रहे थे. जैसे हम अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया कहते हैं, उज्बेकिस्तान तो अभी जहाँ पे है, उस एरिया से मंगोल जैसे लोग आ रहे थे नॉर्थ से इंडिया के अंदर और रेड कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास धन धान्य संपत्ति बहुत था. तो शायद इस समय ये कहानी जन्म लिया कि ऐसे कोई सेवियर आएगा घोड़े पे सवार जो हमें इन यू नो इन्वेडर्स से बचाएगा. कहते हैं कि ये स्टोरी का जन्म इससे भी हुआ कि उस समय क्रिश्चियनिटी कॉन्सेप्ट आ रही थी. यहूदियों से हम मिल रहे थे, क्रिश्चियन लोगों से मिल रहे थे, उनके साथ बिजनेस करते थे. तो उनके उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट था मसीहा का. एक मसीहा है जो दुनिया को डिस्ट्रॉय करके नए दुनिया का निर्माण करेगा. तो यही कॉन्सेप्ट शायद जिससे कल्कि कॉन्सेप्ट का निर्माण हुआ कि एक ऐसा योद्धा, विष्णु का एक ऐसा रूप आएगा जो जब दुनिया में इतना तकलीफ हो रहा है, जब अधर्म हो रहा है सब जगह, करप्शन हो रहा है, तो उसको तोड़ के एक नया विश्व का निर्माण करेंगे वो. अब ये कॉन्सेप्ट हर सोसाइटी में होगा ना. अभी भी हमको लगता है कि दुनिया इतनी बुरी है तो कोई आके हमें बचा ले, इसको डिस्ट्रॉय कर. तो मसीहा का कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग है हर परंपरा में, हर संस्कृति में, इंडिया में भी. तो कल्कि का कॉन्सेप्ट इससे शायद मिलता जुलता है. देवलोक विद देवदत्त पटनायक सीजन 2 अब एक किताब के रूप में. जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस.